हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो कल यानी कि 16 फरवरी को जेक बोर्ड क्लास 10th का मैथ का एग्ज़ाम है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। यहां पर मैं आप लोगों को कुल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो आप लोगों का एग्ज़ाम में आना ही है। 100% श्योर ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे दूरी सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, समांतर श्रेणी का सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये सब हर एक एग्जाम में आता है, कल भी आएगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए सभी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वीडियो बनने वाला है। देखिए पहला है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र, दूरी यहाँ पर आप लोगों को निर्देशांक दिया हुआ रहेगा a 4 - 2 इस तरीके से, और b 4 और 1 इस तरीके से निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। दूरी निकालना है ab का, तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर देखिए x² - α + β x + α * β। यहाँ पर आप लोगों को α + β का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बस वैल्यू रखिएगा, 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा यहाँ पर आपको मूल का योग और मूल का गुणनफल इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मैंने वीडियो में कई बार आप लोगों को बताया है, 2-3 तरीका होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे इजी है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर है समांतर श्रेणी AP। इसका भी फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AN = A + N - 1 × D। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप गणित में कहीं पर मिस्टेक करते हैं और अगर आप फॉर्मूला सही लिखें तो आपको आधा नंबर मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि फॉर्मूला के बेसिस पर आपको नंबर मिल सके। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, जितना स्टेप आप लिखिएगा उतना नंबर मिलेगा। तो फॉर्मूला बस लिख कर छोड़ दीजिएगा तो आधा नंबर मिलना है फिक्स। ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र, x का वैल्यू निकालने के लिए m1 × x2 + m2 × x1 / m1 + m2। सेम यहाँ पर y का वैल्यू निकालने के लिए बस x के जगह में y लगा देना है। m1 × y2 + m2 × y1 / m1 + m2। उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, और त्रिभुज अगर संभव त्रिभुज है तो उसका अलग फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, मानकर चलिए 3 निर्देशांक दिया हुआ है और तीनों निर्देशांक को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का पूरा 99% चांस है, ये कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 / y3 - y1 + x3 / y1 - y2 = 0। यहाँ पर आप लोगों को देखिए x1 x2 x3 याद हो जाना चाहिए। उसके बाद 23 31 12 याद कर लीजिएगा y के साथ, 23 31 12, इधर 1/2। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार लिखिएगा तो इजीली याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आने का 99% चांस है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, π r² θ / 360 फिर देखिए विविक्तर, ये तो 100% श्योर आएगा ही आएगा, पत्थर की लकीर है। विविक्तर यानी कि डी पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर में आएगा। तो देखिए यहाँ पर डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र। आप लोगों का साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर x = -b + -√d/2a, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए माध्यक बहुलक, ये तीनों में से एक आना है, ये तीनों में से एक आना है, तीनों को याद कर लीजिएगा। अगर कहीं पर आप सॉल्व करने में मिस्टेक करते हैं बाई चांस तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा सही हो जाता है तो पूरा 5 में 5 मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर मिस्टेक हो भी जाता है, अगर आप फॉर्मूला लिखे रहेंगे तो आपको आराम से 2.5 से 3 नंबर तक मिल जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 3 ही फॉर्मूला है,
और दो तीन बार लिखेगा तो इजिली याद हो जाएगा। देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ वन इंटू एक्स वन बाय सिग्मा एफ आई। फिर देखिए नेक्स्ट माध्यक एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। फिर देखिए बहुलक का फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू। यहाँ पर एफ जीरो को आप एफ नोट भी पढ़ सकते हैं, एफ जीरो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर गुना एच लिख देना है। तो ये फॉर्मूला सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग और एक फॉर्मूला देखते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इससे इनडायरेक्टली आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन मिलाकर 5 से 10 नंबर तक इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा। तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, जितना हो सके भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे समय कम है, फिर भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। तो यही टोटल 10 फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम से पहले याद करके जाना है। फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर प्रोसेस में गलती हो गया तो। लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रोसेस में गलती ना हो, ताकि फुल मार्क्स मिल सके। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आप लोग सभी फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने 10 फॉर्मूला बताया, 10 का 10 पूरा आप लोग याद कर लीजिए, कल काम आएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को फिर से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से नंबर लाइए और सबका फुल मार्क्स आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।